नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट कश्मीर की लाजवाब सब्जी और हमें पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं यानी न्यू हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं, हम हमारे किचन में ये सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 बैंगन लिए हुए हैं और 2 सेब लिए हुए हैं। ये हरे सेब हैं, हमें 1 सेब से ही सब्जी बनानी है। तो जब भी आप सब्जी बनाएं तो हरे सेब ही लें, क्योंकि ये कुछ कम मीठे होते हैं और टेस्टी होते हैं, तो इससे आप सब्जी बना सकते हैं। तो मैंने इसको धुल लिया अच्छे से। आप कुछ इस तरीके से तराश करके इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, तो आप अपने मनपसंद टुकड़े कर सकते हैं, छोटे या बड़े। तो देखिए, मैंने कुछ इसके इस तरीके से टुकड़े किए हैं और सब हम इसी तरीके से काट लेंगे। ये बड़ी आसानी से कट जाएंगे और इनको छीलने की ज़रूरत नहीं है। आप छीले नहीं, क्योंकि इनका छिलका बहुत पतला है। तो अब मैंने काट लिया, इनको हम पानी में डाल देते हैं जिससे कि ये काले ना पड़े। बाहर यदि रखेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। अब जो मैंने बैंगन लिए हैं उनको कुछ इस तरीके से टुकड़ों में काटेंगे। तो 1 बैंगन का हम 4 टुकड़े कर लेते हैं। आप अपनी मनपसंद के बैंगन ले सकते हैं जिससे ये सब्जी बना सकते हैं। कोई भी बैंगन हो, आप उससे ये सब्जी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से काट लिए और अब हमें झटपट सब्जी बनानी है। तो इसके लिए मैंने टमाटर लिए हुए हैं, 2 लहसुन लिया है, अदरक ली है, प्याज लिया है और 2 हरी मिर्च ली है। इसको लंबा लंबा कट कर लिया और प्याज और टमाटर को बारीक कट कर लिया है। तो अब हम ऑयल डालते हैं। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हमें पहले बैंगन को भूनना है और ये काम झटपट करना है जिससे कि बैंगन काले ना पड़े। तो देखिए, मैंने कुछ ऑयल ज़्यादा डाला था तो इसमें ये बैंगन डाल देते हैं। गैस का फ्लेम अभी हम हाई रखेंगे और इनको ढककर 1 मिनट के लिए पकाते हैं और बीच बीच में इनको चेक करते रहेंगे जिससे कि ये जल्दी से पक जाए। तो देखिए, मैंने फिर इनको ढक दिया और इसी तरीके से हमें चला चला कर इनका कलर चेंज होने तक पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि इनका कलर बढ़िया चेंज हो गया और ये अच्छे से पक गए हैं। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं और इसको हम ढककर रखेंगे। अब बचे हुए ऑयल में हम सेब को भून लेते हैं। तो सेब को हमें 90% पका लेना है। तो बस इसी तरीके से इनको भी हमें पकाना है। ढककर के हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और पकने देंगे और बीच बीच में इनको चलाते रहेंगे जिससे कि ये भी अच्छे से पक जाए, कच्चे ना रहें, क्योंकि फिर ये पकेंगे नहीं, इसलिए पहले पकाना इनको ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने इनको अच्छे से पका लिया, आप देख सकते हैं। तो अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब आप ज़्यादा ऑयल डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, यदि इतने ही ऑयल में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो मैंने उसी ऑयल में अदरक और लहसुन डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। यदि हम पहले जीरा डाल देते तो जीरा जल जाता। और अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो जब भी आप ये सब्जी बनाएं, बारीक कट करें प्याज। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे कलर चेंज होने तक। तो देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च और अब ये हम टमाटर डाल देते हैं। तो बस इस तरीके से मिक्स करके हमें टमाटर को भी पकाना है। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। मैश करते हुए पकाएंगे इसको जिससे कि झटपट पक जाए। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर,
आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यदि आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और ये आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें, और ये आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों ये घर का गरम मसाला बनाया हुआ है इसलिए थोड़ा ही पड़ता है। तो देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं 3 चम्मच मलाई, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, इसको बराबर चलाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे जिससे कि ये फटे ना मलाई, और बराबर चलाएंगे जब तक कि ये पकने ना लगे अच्छे से। तो देखिए बबल्स से उठ रहे हैं, मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया। तो इसमें 1 कटोरी हम पानी डाल देते हैं, आप 1 कप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये मैंने 1 कटोरी पानी और डाल दिया, तो मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया। अब इसको ढककर के हम पकाएंगे थोड़ी देर, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, इसको पकने देंगे। तो देखिए ऑयल ऊपर आ गया है थोड़ा, मसाला हमारा बहुत बढ़िया पका हुआ है। तो आपको इसी तरीके से मसाले को पकाना है, थोड़ा सा इसको मैश कर देंगे। और इसमें हम डाल देते हैं सेब, हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, और अब हम ये बैंगन डाल देते हैं। बैंगन पके हुए हैं और सेब भी पके हुए हैं, तो अब हमें बहुत ज़्यादा देर सब्जी को नहीं पकाना, मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसी तरीके की सब्जी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इसकी ग्रेवी बढ़िया बनेगी। तो आप कैसी ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मैंने 2 कटोरी पानी इसमें डाल दिया, और अब हम इसको 2 मिनट ढककर पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसको पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। सब्जी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, कितनी बढ़िया सब्जी बनी, इसका कलर कितना बढ़िया आया है, और ये बिल्कुल अलग टेस्ट की सब्जी बनी हुई है। थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी। इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं, आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, और 2 मिनट के लिए ही हम इसको ढककर रखेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया, और 2 मिनट के लिए ढककर के इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया, सब्जी हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार है। तो आप इस सब्जी को पूड़ी के साथ, पराठा के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी बनी है, बिल्कुल अलग तरीके की सब्जी बनी है, ये कश्मीर में अक्सर बनाई जाती है सब्जी। तो दोस्तों यदि ये हमारी सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।